हाय गाइस, मेरा नाम है आशु एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ टेकोटो। आज जो हमारे पास गाड़ी है रिव्यू करने के लिए वो है टीवीएस की अपाचे 160 आरटीआर 2V। अगर बात करें इसके वेरिएंट्स की तो इसमें टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक सिंगल डिस्क और एक डबल डिस्क। प्राइसिंग की बात करें तो सिंगल डिस्क की प्राइसिंग होती है 99,000 एक्सशोरूम एंड डबल डिस्क की प्राइसिंग है 1,02,000 एक्सशोरूम। कलर वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 6 कलर आते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे। अगर बात करें इसके फ्रंट लुक की तो ज्यादातर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं आपको, सिर्फ यहाँ पर ग्राफिक्स चेंज देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर रेड स्ट्रिप आती थी, अब आपको ब्लैक और ग्रे और रेड फिनिशिंग में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले ही कैटाई लुक आता था, अब भी सेम लुक आता है। पेट्रोल टैंक की बात करें तो पेट्रोल टैंक पे भी ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए हैं, पहले केवल रेड आता था, अब यहाँ पर रेड ग्रे एंड ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। अगर आप साइड लुक की बात करें तो मेजर चेंजेस BS6 में यही किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन पे आप यहाँ पे आपको नया कवर मिलता है एंड बैटरी आपको चेंज कर दी गई है, इस बार बड़ी बैटरी दी है और साथ में आपको यहाँ पे किक का ऑप्शन अब नहीं मिलता है BS6 वेरिएंट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी कीज से। तो इसके अंदर आपको 2 कीज मिल जाती हैं देखने के लिए, बिल्कुल सेम की आती है जैसे BS4 में आती थी। आपको यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ में लोगो मिल जाता है TVS का। चलिए बात करते हैं इसके हेडलैम्प की, तो आपको अभी भी BS6 में यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाते हैं, बट आपको जो यहाँ पे न्यू फीचर आपको देखने के लिए मिलता है कि आपको नीचे की तरफ भी एक छोटी DRL मिलती है यहाँ पे साइड माउंटेड। ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे इंडियन लोगो का बैजिंग मिल जाती है एंड इंडिकेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी ये बल्ब में ही आते हैं। आपको एक जो नया फीचर है जो इसमें हटाया गया है BS6 में BS4 के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं जब भी मैं पास स्विच दबाता हूं तो यहां पे लाइट ऑन नहीं होती। BS4 में यहां पे पास स्विच दबाने पर लाइट ऑन होती थी, अब कैसे ऑन होगी तो आप गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ऑन होगी, अभी नहीं हो रही है। बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं देखने के लिए। नीचे की तरफ आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है TVS का 17 इंच का। खास बात यह है ये टायर TVS के ही मैन्युफैक्चरर है, किसी अदर कंपनी से लिया नहीं गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाता है जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। आपको यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है। अगर राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है साइलेंसर, जिसपे यहाँ पर आपको कैटालिटिक क्रिस्टल माउंट है एंड ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो चेंज किया गया है BS4 टू BS6 में, जो लेग गार्ड है वो केवल पहले सिंगल आता था, अब डबल लेग गार्ड आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड का अलग है, लेफ्ट साइड का अलग है। पहले भी आपको यहाँ पर 2 हॉर्न मिलते थे, अब भी आपको 2 हॉर्न मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो नई आपको कवरिंग दी गई है इंजन पे, एंड इंजन की बात करें तो इसमें 160 cc का इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 15.5 BHP की पावर एंड 14 Nm टॉर्क के साथ। साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल मिल जाता है जो कि सिल्वर फिनिशिंग में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको फ्रंट फुटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल मिलता है। एंड बैटरी की बात करें तो इसमें अब बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किक नहीं है। पहले BS4 में किक आती थी बट अब किक हटा दी गई है। कि चेंज में आपको यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो बैटरी है वो 12V 8A की पावर को जनरेट करता है। आप देख सकते हैं कि बैटरी के पास में ही आपको यहाँ पर सीट का ओपन लीवर मिल जाता है। मैं यहाँ पर जब इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ से सीट निकल जाती है, आप देख लीजिए एक बार। BS4 टू BS6 में चेंज यह है कि आपको यहाँ पर एक CPU मॉनिटर टाइप मिल जाता है जो कि आपके इंजन की हेल्थ को बताता है। गाड़ी में कोई भी गड़बड़ होगी तो ये CPU उसे मॉनिटर करेगा एंड सर्विस सेंटर पर जब भी आप उसे लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में गड़बड़ क्या है। आपको जो रियर फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है वो भी मेटल में देखने के लिए मिल जाता है। एंड बात करें अगर इसके एग्जॉस्ट की तो यहाँ पर आपको एक प्लेट मिल जाती है जिसपे RTR की बैजिंग है। तो मैं इसके एक बार साउंड सुनवा देता हूँ। चलिए तो आप सुन सकते हैं इसकी साउंड, देखिए कैसी आ रही है, मैं एक बार आपको सुनवा देता हूँ। बात करें इसके लेफ्ट साइड व्यू की तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है FI की बैजिंग, यानी कि फ्यूल इंजेक्टेड BS6 के नॉर्म्स को पूरा करता है।
साथ में आपको यहाँ पर देखने के लिए भेजा था पॉलीकार्बोनेट में ये बॉक्स जिसके अंदर एयर फिल्टर माउंटेड है। गियर पेडल की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है जिसमें फर्स्ट गियर नीचे है बाकी के सारे ऊपर हैं। आप देख सकते हैं केवल फ्रंट का सेक्शन मिलता है आपको गियर में, पीछे का सेक्शन नहीं मिलता है। फ्रंट फुटरेस्ट की बात करें तो ये भी फ्लेक्सिबल है आपको देख सकते हैं आप यहाँ। एंड स्टैंड की बात करूँ तो काफ़ी सही स्टैंड आपको दिया गया है, साथ में डबल स्टैंड भी आपको मिलता है। नीचे की तरफ चैन देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी चैन की कवरिंग नहीं है, ओपन चैन सिस्टम आपको मिलता है। अगर यहाँ पे सस्पेंशन की बात करूँ, रियर सस्पेंशन की, आप तो मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है यहाँ पे, सेफ राइड आपको प्रोवाइड कराता है। रियर फुटरेस्ट की बात करूँ तो जैसे कि वहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाया था ये भी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी साइड फुटरेस्ट नहीं मिलता है। पीछे की तरफ देख सकते हैं आपको यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि अब ग्रे में आते हैं एंड रेड के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं। 160 की बैजिंग मिल जाती है, इंडियन फ्लैग आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, पीछे ग्रैब हैंडल मिलता है देखने के लिए, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, साइड में 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ इंडिकेटर्स, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है एंड पीछे यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, मैं एक बार इसे भी आपको जला के दिखा देता हूँ। नीचे आपको एक और रिफ्लेक्टर मिलता है। पीछे के टायर की बात करें तो आपको यहाँ पे भी 17 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाता है, बट ये आगे वाले टायर से थोड़ा वाइड है। एंड अलॉय व्हील्स यहाँ भी मिलते हैं आपको, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं टायर पे ही माउंटेड। ये भी ट्यूबलाइज टायर है जो कि TVS का ही है। पीछे के ब्रेक की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सिंगल डिस्क है, डबल डिस्क नहीं है, तो आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर आपके यहाँ पे सीट की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल सीट मिलती है, कोई स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं आगे की जो सीट है वो काफ़ी अच्छीदार अच्छा है, यहाँ पे कुशन काफ़ी अच्छा मिलता है, बट पिलियन की जो सीट है वहाँ पे वो थोड़ी सी नैरो है, शायद पिलियन को दिक्कत हो सकती है। मैं एक बार आपको इस पर बैठ के दिखाता हूँ कि बॉडी पोस्चर कैसे आता है। आप देख सकते हैं कि बॉडी पोस्चर काफ़ी अच्छा आता है, आपकी जो कमर वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है यहाँ पे, एंड आपको एक स्पोर्टी लुक भी मिल जाता है देखने के लिए। बात करें इसके टैंक की तो इसके अंदर 12 लीटर का टैंक आता है जो कि कंपनी माइलेज क्लेम करती है, तो 50 से 55 का माइलेज की कंपनी क्लेम करती है। आप टैंक में देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं आपको ग्रे, ब्लैक और रेड की फिनिशिंग में। आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर TVS का हॉर्स का 3D लोगो मिल जाता है बोथ साइड। यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिशिंग मिलती है। एंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 मीटर देखने को मिल जाते हैं, एक RPM मीटर है, एक ओडोमीटर है। RPM मीटर की पहले बात करेंगे आपको तो RPM मीटर जो टोटल जाता है वो 12,000 RPM तक जाता है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलते हैं वो जो न्यू ऑप्शन आया है BS4 टू BS6 में, एक तो इंजन का ऑप्शन आया है, इंजन हेल्थ का ऑप्शन, एंड आपको पेट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, उसकी सर्विस का ऑप्शन है, बैटरी का ऑप्शन है और ABS का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक तो टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो न्यूट्रल में है या नहीं है। मैं आपको एक बार न्यूट्रल में करके दिखाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे पास का ऑप्शन मिलता है, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा वो तभी आपको दिखेगा, जैसे मैं पास दबाऊंगा तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको स्पीड दिखा देता है, नीचे किलोमीटर्स है, यहाँ पर वॉच दी गई है एंड यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बात करें इसके हैंडल की तो आपको यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल मिल जाता है। हैंडल पे जो माउंटेड हैं चीज़ें वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम का ऑप्शन मिलता है, पास स्विच मिलता है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे हॉर्न का ऑप्शन भी मिलता है, काफ़ी अच्छा हॉर्न है इसका। राइट साइड की बात करें तो आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच मिल जाता है, साथ में सेल्फ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको 2 रियर व्यू मिरर माउंटेड मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको हेडलाइट्स का सामने दिखा देता हूँ रिफ्लेक्शन कैसे पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो ये था इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बोल सकते हैं हमें, जो भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी होगी तो हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।